नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में ना ही मैं मोटो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, ना ही मैं इस वीडियो में कोई एजुकेशनल बातें करने वाला हूँ, ना ही इस वीडियो में मैं जो है कोई टिप्स देने वाला हूँ आपको किसी चीज़ के ऊपर। बस ये मैं मेरे 21,000 थैंक्स टू ऑल ऑफ यू 21,000 सब्सक्राइबर्स, मैं सपने में नहीं सोच सकता कि मेरे 21,000 सब्सक्राइबर्स कभी हो सकते हैं मेरे जैसे ढक्कन के लिए। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैं सब्सक्राइबर्स नहीं देखता आप लोगों, मैं फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ। दोस्तों, मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि लोग आजकल ये धंधा बन गया बालों के ऊपर वीडियोस बनाओ और व्यूज पाओ। इस तरीके के मेरे एक लिए एक दो कमेंट्स आ चुके हैं मेरे को, ये खुद टकला है, गंजा है और ये खुद जो है बालों के ऊपर वीडियोस बनाता है। हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों ने जो है बालों के ऊपर वीडियोस बना लिए हैं, बहुत सारे चैनल आज आज यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो उन्हीं में से एक चैनल लोग समझते हैं कि ये भी है, खैर उनके तो बाल हैं मेरे नहीं है, तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं लोग। तो दोस्तों, मैं अपना पूरा इतिहास बताना चाहता हूँ और आज मैं इस वीडियो के एंड में एक अपना सीक्रेट जो है वो रिवील करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं अपना जो है एक सीक्रेट आप लोगों के साथ रिवील करने वाला हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, जो मैंने अभी तक किसी भी व्यूअर के साथ या किसी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में मैं हूँ कौन। दोस्तों, अगर आप मेरा सीक्रेट जानने के लिए जो है एक्साइटेड हैं, मैं तो हूं, क्या आप भी अगर एक्साइटेड हैं तो प्लीज एक लाइक करके आप मुझे बता दीजिए कि आप एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज 10 महीने से चैनल है, 21,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, इतने सारे लोग हो चुके हैं, हम सब एक जुड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है मुझे अपने बारे में ये सब चीज़ें रिवील कर देनी चाहिए जो सही रहेगा। तो दोस्तों, लेट्स फेस द हेटर्स, जो हेटर्स होते हैं उनको जरा फेस करते हैं। सबसे पहला जो सवाल आमतौर पर आ रहा है कि लोग जो है व्यूज़ पाने के लिए हैं जो इस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं, बालों के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं ताकि व्यूज़ मिले। दोस्तों, सच्चाई ये है, मैं अपनी सच बताऊं तो हो सकता है आप लोगों में से किसी लोगों को बुरा लग जाए कि मैं राइट नाउ पिछले 4-5 महीने से या 6 महीने से आई हेट मेकिंग वीडियोज ऑन हेयर, बालों के ऊपर वीडियोज बनाना मुझे सख्त नफरत है, मुझे नफरत है बालों के ऊपर वीडियोज बनाना, तो फिर मैं क्यों बना रहा हूँ बालों के ऊपर वीडियोज। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत कम परसेंट है लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैक्सिमम लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो लोग इसके ऊपर ओपिनियन मांगते हैं उसके ऊपर ओपिनियन मांगते हैं, 10 कमेंट्स को भी अगर इग्नोर कर दिया जाए तो 11वां कमेंट फिर उसी चीज़ पर आ जाता है, पर्सनल मैसेज करके फेसबुक पे मेरे पेज पे आके उस पर वही ओपिनियन मांगते हैं, तो मुझे हार कर उस पर बालों के ऊपर एक आध वीडियो बनाना पड़ता है। मीन्स मैंने जितने भी वीडियोज़ हैं शुरुआत के, जो बालायन के 10-12 वीडियोज़ हैं, 10-12 11 जो वीडियोस थे उनको छोड़ के जितने वीडियोस बनाए थे वो मैंने दूसरों के रिक्वेस्ट पे बनाए थे। जी हाँ दोस्तों, तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि भाई व्यूज पाने के लिए लोग जो है आजकल कुछ भी कर रहे हैं, बालों के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, ये बना रहे वो बना रहे हैं, दोस्तों सच्चाई ये है कि मैं 10 महीने पहले तक जो है यूट्यूब पर चैनल नहीं था बालों के ऊपर, कुछ भी कोई भी खास चैनल नहीं था प्रॉपर तरीके से, मैंने वीडियोज बनाए थे। आप अगर मेरे चैनल का जो है बैकग्राउंड देखें, अगर मेरे चैनल का बैकग्राउंड देखो, सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था एक गाय के ऊपर बनाया था कि वाई हिंदू वर्शिप का काउ, इस तरीके का कुछ वीडियो था, वो सुपर डुपर फ्लॉप वीडियो था। वो मैं बताऊं आपको, आज से 1 महीने पहले तक उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसलाइक थे, मतलब ज़्यादा डिसलाइक थे और कम लाइक थे, एकमात्र वो ऐसा वीडियो था मेरा पहला वीडियो जो था कि जिसमें लाइक कम थे और डिसलाइक ज़्यादा थे। अब खैर लाइक ज़्यादा हो गए हैं, डिसलाइक कम हो गए उसमें, अभी वो फ्लॉप वीडियो है, बिल्कुल चला नहीं है वो वीडियो। उसके बाद कुछ मैंने यूट्यूबर्स के लिए बनाए थे, मतलब मैं अलग अलग टॉपिक्स पर जो है वीडियोस बनाता था, तो मेरे को बालों का भी एक एक्सपीरियंस था तो मैंने उस पर भी वीडियोस बना दिए। बस वहाँ से ट्रिगर कर गया, लोगों ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, और मैं आपको बताऊँ 85 से 90% लोगों को मेरी जितने भी मैंने बालों के ऊपर टिप्स दिए सबको फ़ायदा हुआ है, कुछ ही लोगों को नहीं हुआ है बस। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं व्यूज़ जो है बालों के ऊपर जो वीडियोज़ हैं मैं व्यूज़ पाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। सच्चाई यह है कि मैं कुछ भी उल जलूल बालों के ऊपर बना के डाल दूँ ना तो मेरे को डेली व्यूज़ मिलेंगे, बट आई डोंट लाइक दोज व्यूज़, आई लाइक मेकिंग वीडियोज़ ऑन मिस्टीरियस थिंग्स। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अप क्वेश्चनिंग मिस्टीरियस थिंग्स, मतलब मिस्टीरियस थिंग, मुझे मोटिवेशनल चीज़ें, इन चीज़ों में मैं फोकस कर रहा हूँ, बट बिकॉज ऑफ मुझे पता है 80-90% लोग जो हैं यहाँ पर सब्सक्राइबर्स वो बालों से आए हुए हैं, मीन्स बालों के वीडियोज़ उनको देखना है, बालों के बारे में जानकारी चाहिए, और कई सारे लोग जो हैं जेन्युइन हैं वो परेशान हैं, पर ऑलरेडी सभी परेशान हैं, तो जहाँ से मुझे थोड़ा कहीं से भी लगता है कि इससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो मैं वीडियो बना के रखता हूँ, मैं व्यूज़ पाने के लिए नहीं रखता हूँ।
बालों के ऊपर जितने वीडियोस मैं अभी बना रहा हूँ, मैं व्यूज़ पाने के लिए ही बना रहा हूँ, ये इत्तेफाक करने के उस पर व्यूज़ ज़्यादा एक्चुअल में आते हैं। मुझे वीडियोस जो है मोटिवेशनल वीडियोस या फिर कोई एडवेंचरस वीडियो या फिर कोई मोटो ब्लॉगिंग हो गया या फिर कोई मिस्टीरियस वीडियोस, ये सारी मेरे जो है कंटेंट है मेरे चैनल के, मैं इन पे आगे ले जाऊंगा अपना चैनल। हाँ, अगर मैंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया, जो कि मैं हो सकता करवाऊँ कुछ समय बाद, वो मेरा इंटरेस्ट का जरिया रहेगा, उस पर मैं वीडियोज बहुत इंजॉय मजे लेके बनाऊंगा, अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके पहले जो वीडियोस मैं अगर बालों के ऊपर बनाता हूँ, तो मैं लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर बनाता हूँ। तो जो लोग मुझे कंप्लेन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भाई इसके खुद के नहीं है बालों के ऊपर, बाकी बात तो सही है, खुद के नहीं है बालों के ऊपर ज्ञान झाड़ रहा है, उनको मेरे चैनल का बैकग्राउंड नहीं पता, इसलिए वो इस तरह की कमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब मैं आप लोगों के सामने जो है अपना सीक्रेट बताने वाला हूँ। सच्चाई ये है दोस्तों कि मैं कोई नया यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक बहुत पुराना यूट्यूबर हूँ। मैं इंडिया में यूट्यूब तब से कर रहा हूँ जब यूट्यूब के बारे में लोग जानते भी नहीं थे उतना। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब उतना फेमस भी नहीं था। मैं 2010, जी हाँ दोस्तों, 2010 से जो है मैं यूट्यूबर हूँ एक। 2010 में मैं मैजिक ट्रिक्स सिखाता था। जी हाँ, आई यूज टू बी अ मैजिशियन। मैं छोटे मोटे जो हाथ की सफाई जानता था, उसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोज बना के डाले हुए थे इंग्लिश में यूट्यूब के ऊपर, जो ठीक ठाक चले थे। लेकिन फिर 5-6 साल के लिए मैंने वीडियोज नहीं डाले, और 1-1.5 साल पहले मैंने एक आध दो वीडियोज डाले होंगे, तो वो चैनल मैंने यूज़ नहीं किया था। तो मैं यूट्यूब इज़ माई इंटरेस्ट, ये मेरा पैशन है, ये मेरी हॉबी है। आई लाइक, मतलब मुझे पसंद है अपनी बातें शेयर करना, और उससे किसी चीज़ कोई को फ़ायदा मिले तो मेरे लिए भी वो, मुझे उस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है कि जब इस तरीके के कमेंट आते हैं ना भाई के, भाई थैंक्स अ लॉट, भाई तेरे वजह से मुझे फ़ायदा मिल रहा है, थैंक्स अ लॉट। मुझे ना कितने, एक ने तो कमेंट कर दिया मेरे को कि भाई तुम मेरे भगवान हो। भाई इस तरीके से कमेंट मत करो यार कि भगवान हो, ये हो, वो हो, मैं शर्मिंदा फील करने लगता हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। तो ये जो कमेंट्स होते हैं ना, इससे मुझे एनर्जी मिलती है, इस तरीके के कमेंट्स से मुझे एनर्जी मिलती है, दैट्स व्हाई आई मेक वीडियोस। अगर मैं बालों के ऊपर उल जलूल गूगल करके इंटरनेट से यहाँ वहाँ से, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई कोई कैप्सूल्स के बारे में पूछ रहे हैं, दवाइयों के बारे में, मुझे नहीं पता। यूट्यूब आज एक धंधा, सचमुच पे धंधा बन ही गया है, जिसको जो मिल रहा है आप वीडियोज बना रहा है कैप्सूल्स के ऊपर, दवाइयों के ऊपर बना रहा है। मुझे नहीं पता वो वर्क करता है कि नहीं करता। मैं दवाइयों के ऊपर जो है अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को घंटा नॉलेज नहीं है दवाइयों के बारे में। और मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि दवाइयाँ वगैरह आप डॉक्टर से 400-500 रुपये फीस दे के उससे सजेशन लेके लीजिए। आप हर चीज़ के लिए यूट्यूब पर मत बैठिए। ये जो प्याज का रस हो गया, अदरक का रस हो गया, ये लगाना, वो लगाया, बाला में लगाना, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लगाओ, काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आगे बढ़ो। लेकिन दवाइयाँ खाना, ये चीज़ें खाना मुझे ठीक नहीं लगता, चाहे वो विटामिन की हो, चाहे कुछ किसी भी चीज़ की हो, डॉक्टर से सलाह लेके करना चाहिए। तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस जो हैं व्यूज़ के नहीं बना ले नहीं बनाता हूँ। आई यूज़ टू बी अ मैजिशियन। मैं 2010 से वीडियोस बना रहा हूँ। मेरे 7-8 वीडियोस थे यूट्यूब पे, अभी भी हैं, और जो कि ठीक ठाक चल रहे हैं। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए उस चीज़ का, तो इफ़ आई गेट 500 लाइक्स, लेट्स पहली बार टारगेट कर रहा हूँ, चल देखते हैं होता है कि नहीं। इफ़ आई गेट 500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, अगर 500 लाइक हो गए और आप लोगों को प्रूफ चाहिए कि मैं पहले का यूट्यूबर हूं कि नहीं। अच्छा, 2010 की वो वीडियोस हैं, तो मैं इनसे आप मुझे देख पाएंगे कि एक्चुअली में बालों में कैसा दिखता था। तो अगर आप एक्साइटेड हैं 2000, आज से 7 साल, करीब 7 साल, जी हाँ 7 साल पहले की वीडियोस मेरे देखना चाहते हैं आप अगर, तो लाइक कीजिए। 500 लाइक्स अगर हो चुके, इसको शेयर कीजिए। अगर 500 लाइक हो गए तो मैं वो वीडियोज़ जो हैं इस चैनल पर, पूरे 6-7 वीडियोज़ थे, डाल दूंगा। आप अगर आप चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में डालिए आप, मैं भी एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ वो चीज़, वो सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे मैजिक ट्रिक्स के वीडियोस जो हैं, थोड़ी बहुत हाथ की सफाई थी, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, उस टाइम बच्चा था, कॉलेज स्टूडेंट था, पर थोड़ा बहुत जानता था, कुछ मैजिक्स बताए थे, कुछ मैजिक ट्रिक्स बताए थे, कुछ सिखाए थे, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है, उस टाइप का लुक मेरा कैसा था, बालों में मैं कैसा दिखता था, तो प्लीज़ अपने कमेंट जो है नीचे छोड़िए, और प्लीज़ लिखिए कि आपको वो वीडियोज़ चाहिए हैं, तो मैं 6-7 वीडियोज़ वो जो है वो पूरे अपलोड कर दूंगा इसमें, इस यूट्यूब चैनल पर प्रूफ के तौर पर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक लाइक करिएगा। अगर आपको 500 लाइक्स होगा तो मैं डाल दूंगा वो वीडियोस, और कमेंट डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।